बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की CSP ID लेना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा की CSP ID कैसे ले सकते हैं। और आपको 100% बैंक ऑफ बड़ौदा की इस वीडियो को देख के ID मिल जाएगी। तो डायरेक्ट मिलते हैं CSP के ओनर से। ये आपको बताने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की ID लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आपको ID फ्री मिलेगी तो फ्री का प्रोसेस भी बताएंगे। तो जो प्रोसेस है वो आपको पूरा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो मिलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के CSP के ओनर से। अब इनसे बात करेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा की CSP ID लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले ये भैया बैंक ऑफ बड़ौदा के और जिनके पास CSP ID है, और जो बहुत सारे जनों को अभी तक 500 लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा की CSP ID दिलवा चुके हैं, तो मैं इसीलिए आज वीडियो बनाने वाला हूं और इसे सारा प्रोसेस बताएंगे किस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा की CSP ID ले सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ID लेने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? मिनिमम कम से कम 18+। 18+ या 18 भी चल जाएगी। 18 भी चल जाएगी। और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? 10th या 12th। और फ्री में ले सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा की CSP ID? 25,000 रुपये फीस लगेगी, वो कंपनी की, थर्ड पार्टी कंपनी होती है, जैसे कि फिया, ओसरीज कंपनी, जीरो मास। मेरा फिया ग्लोबल से 2014 से CSP मेरा अपना खुद का है। अच्छा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की CSP ID लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? पैन कार्ड, आधार कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन, 4 फोटो, पासपोर्ट साइज, सिविल स्कोर होना चाहिए तुम्हारा ठीक, 10th पास होना चाहिए, और 25,000 रुपये का अमाउंट लगता है लगभग, जो थर्ड पार्टी कंपनी है वो बीच में तुम्हें टाइप करके देती है, उसमें 20% कमीशन उनका होता है कंपनी का। तो थोड़ा सा और भी कुछ प्रोसेस हो तो वो पूरा डिटेल में बता दीजिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा की ID लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है। बैंक ऑफ बड़ौदा का ID लेने के लिए सबसे पहले तुम्हारी उम्र 18+ होनी चाहिए और तुम्हारा 10वीं पास होनी चाहिए मिनिमम कम से कम, और पुलिस वेरिफिकेशन तुम्हारा क्लियर होनी चाहिए, कोई केस वगैरह नहीं होनी चाहिए, और IIBF का एक एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन, वो भी एग्ज़ाम भी क्लियर होनी चाहिए, और 6 महीने बैंक की स्टेटमेंट लगेगी, सिविल स्कोर डाउन होनी चाहिए, सिविल स्कोर भी चेक करना पड़ेगा, बैंक के आसपास नियर बाई 2-4 किलोमीटर, जहाँ आप CSP पॉइंट लेना चाहते हैं वहाँ से बैंक होनी चाहिए 2-4 किलोमीटर के आसपास, और 25,000 रुपये का अमाउंट लगेगा जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, जब आपका CSP मिल जाएगा जब आपको 25,000 रुपये देने पड़ेंगे, और काफ़ी अच्छी इनकम है इसके अंदर। एक आप किसी भी ID पे खाता खोल सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा, UP, बिहार, कहीं की भी ID हो, अकाउंट में तुरंत हाथों जनरेट हो जाता है। मैंने अब तक लगभग, मैं अपनी बात करूँ तो मैं लगभग 30,000-35,000 अकाउंट खोल चुका हूँ, और लगभग जो मेरा महीने का कमीशन है अब तो खैर कम आ रहा है, काफ़ी 20 CSP पॉइंट हो गए हैं, पहले जब मेरा अकेला तो 70-80,000 रुपये मंथली आता था मेरा, आज की तारीख में मेरा आ रहा है 20-30,000 रुपये ओनली, लेकिन काम फिर भी बढ़िया है, बाकी अपना अकाउंट खोलने का काम है, एक इज्जत सी मिलती है, गुडविल बनी रहती है मार्केट में कि भाई यह बंदा क्या काम करता है, भी बैंक का काम करता है, बैंक का CSP है, मैं तो सारे ही काम फ्री करता हूँ, पैसे अकाउंट से पैसे निकालना या जमा करना सब कुछ फ्री है हमारे यहाँ, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता, और मेरा हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक, मंडोली दिल्ली त्रान में बैंक ऑफ बड़ौदा नियर अनिल कम्युनिकेशन। और किसी भाई को अगर CSP लेना हो तो मुझसे संपर्क कर सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए उसके बाद ही संपर्क करें, ऐसा ना हो कि उसके पास डॉक्यूमेंट ना हो फिजूल में वो मुझे परेशान करे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसा कि अभी भाई ने बताया कि अगर जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा की CSP ID लेना चाहता है तो इन्हें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पर इनका भैया का नंबर दिख रहा होगा, इन्हें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पर इन्होंने जो रिक्वायरमेंट बताई, जो जो डॉक्यूमेंट बताए, जो जो ID बताई, जो 25,000 रुपये बताए, ये सारी चीज़ें मैं एक बार से फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। पैन कार्ड की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बिजली का बिल, रेंट एग्रीमेंट, IIBF का एग्ज़ाम, 6 महीने की स्टेटमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन, और 25,000 रुपये एक चेक होना चाहिए। वो चेक पे पैसे आपके जब कटेंगे, जब आपका CSP मिल जाएगा, उससे पहले कोई पैसा नहीं कटेगा आपका। तो ये सारे अगर डॉक्यूमेंट हैं आपके पास तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा की CSP ले सकते हो। और आजकल बहुत सारे जनों को प्रॉब्लम आ रही थी, हमारे पास 2-3 कंपनियाँ, एक तो है ओसरीज कंपनी, और एक है फिया ग्लोबल, और एक है जीरो मास। जो जीरो मास कंपनी है वो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का भी देता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का देता है, PNB का देता है, और स्टेट बैंक का भी CSP देते हैं, 4 बैंक का CSP मिलते हैं, और बाकी ओसरीज कंपनी तो फिया कंपनी देती है बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो ऑलरेडी से।
तो अभी भैया ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, तो डायरेक्ट अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है बैंक ऑफ बड़ौदा सीएसपी की आईडी लेने के लिए, अगर ये सारी चीज़ आपके पास डॉक्यूमेंट है तो डायरेक्ट भैया को कॉन्टेक्ट करें, आपको भैया सीएसपी आईडी दिलवा देंगे। और अगर आप लेकिन एक बार है ना ये जरूर कन्फर्म कर लेना, सीएसपी बोर्ड लेने से पहले आपके आसपास जो भी ब्रांच है क्या वहाँ रिक्वायरमेंट है कि नहीं है सीएसपी की। ऐसा ना हो आप वहाँ पहुँचे मुझे सीएसपी लेना, ऑलरेडी आपके अकाउंट एरिया में 20 या 30 सीएसपी चल रहे हो, तो फिर आपको कैसे मिल जाएगा। जहाँ आप सीएसपी लेने चाह रहे हो वहाँ आपका 1 किलोमीटर या 500 मीटर तक कोई भी दूसरा सीएसपी नहीं होनी चाहिए, आपका एक अकेला सेंटर होना चाहिए आसपास, तभी सीएसपी मिल जाएगा। और मैनेजर एग्री होनी चाहिए सीएसपी के लिए। पहले आप मैनेजर से कॉन्टैक्ट करो कि मैं सीएसपी लेना चाहता हूँ, मैं फ़ाइल लगा दूँ कंपनी से, अगर वो कहते हैं जी लगा दो मैं पास कर दूँगा तो ही फाइल लगाना। तो जैसा भैया ने भी प्रोसेस बताया बैंक ऑफ बड़ौदा सीएसपी आईडी लेने के लिए, आपके जो पास में एक या दो या सीएसपी सेंटर होने चाहिए, अगर ज़्यादा सीएसपी सेंटर है तो आपको बहुत ही मुश्किल है कि सीएसपी की आईडी मिलना। पर एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिए, अगर आपके सारे रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट है तो आप भैया को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। कभी कभी होते हैं ये नंबर नहीं आपको पिक नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमेशा बिजी बहुत रहते हैं, इनका बहुत सारा वर्क आता है, तो अगर आपका कॉल नहीं उठा पा रहे तो आप उन्हें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जैसे जब फ्री होंगे तो वो आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। यदि आप कोई सा भी सीएसपी पॉइंट चलाते हो तो आपके पास 2-3 तरह के रजिस्टर होने चाहिए। एक तो होता है विड्रॉल या डिपॉजिट रजिस्टर, जिसमें आप अपना लेन देन जो करते हो लेखा जोखा होना चाहिए उसके अंदर, आपका डेली आपने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। ग्राहक का नाम, ग्राहक का आधार कार्ड नंबर, ग्राहक ने कितना अमाउंट निकाला, ग्राहक का ट्रांसफर नंबर, ग्राहक के सिग्नेचर और ग्राहक का मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ आप अपने रजिस्टर में रखे करो डेली मेंटेन करके। दूसरा, आपके पास कोई किसी भी बैंक का सीएसपी पॉइंट है, बैंक बड़ौदा या कोई भी एयरटेल पेमेंट बैंक या कोई भी छोटा मोटा बैंक, तो आपके पास एक रजिस्टर होनी चाहिए जिसमें ग्राहक का नाम, ग्राहक का फोटो, ग्राहक के सिग्नेचर, सारी डिटेल ग्राहक की होनी चाहिए आपके पास। ग्राहक आपके पास किस टाइम आया, कितने टाइम उसने खाता खुलवाया। उसके बाद तीसरा एक रजिस्टर बहुत ही महत्वपूर्ण रजिस्टर होता है जो, और ये होता है बैंक अधिकारी। आपका जो ब्रांच में आप जो काम कर रहे हो आपके पास कभी भी कोई भी अधिकारी आ सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी आ सकता है, जिस बैंक आप सीएसपी चला रहे हो वो भी आ सकता है। वो कब कब आपकी दुकान में विजिट करके गए, सारी एंट्री होती थी रजिस्टर में, इस तरह किस तारीख में कौन सा अधिकारी आपके पास आया था। आप ये 3 प्रकार के रजिस्टर हमेशा बना के रखोगे तो आपको कभी भी भविष्य में पुलिस FIR वगैरह जो किस तरह का जो फ्रॉड हो जाता है उस तरह का आपको कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि पुलिस वाले भी जब भी आपके साथ कोई गलत होता है या आपके द्वारा जो खाता खुला हुआ है कल के दिन उसमें कोई मिसिंग हो जाती है, तो वो सबसे पहले पूछते हैं कि आपने जिस व्यक्ति का खाता खुलवाया कि आपके पास रिकॉर्ड है। मान लो आपके पास कोई व्यक्ति पैसे निकालने आया 10,000 रुपये, हो सकता है वो माइंड डिस्टर्ब हो, आज वो 10,000 रुपये निकालने ले गया, अगले दिन आपसे कहने लगे जी मैं आपकी दुकान से आधार कार्ड 10,000 रुपये लेके नहीं गया, तो आप कैसे करोगे। तो आपके पास रजिस्टर होना जरूरी है, रजिस्टर के साथ साथ उसके साइन, रजिस्टर में जब भी उसने पैसे निकाले उसके साइन होने चाहिए। और आपकी दुकान में कैमरे तो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, कैमरे का पार्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कैमरा होगा तो भविष्य में आपके साथ कोई भी भूल चूक होती है तो आप उसको इजीली पकड़ सकते हो। मेरे साथ भी कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति पैसे निकालने आया 8,500, अब हमने क्या देखा कि 2-2 की नोट की गड्डी थी पूरी 20,000 की, हमने क्या करा उसमें से पैसे निकाल के हमने सोचा 100 नोट की गड्डी है तो गलती हो जाती है। तो कैमरे हमेशा लगा के रखें, और मैं तो कह रहा हूँ कैमरे हमेशा जो भी होने चाहिए माइक वाले कैमरे। तो अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की सीएसपी आईडी लेना चाहते हो तो वीडियो की स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, इन्हें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो और बैंक ऑफ बड़ौदा की आपको सीएसपी आईडी मिल जाएगी। और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताइए, और वीडियो में जो भी सुझाव हो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा की सीएसपी आईडी ले सकें। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।